चैनल और आज ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना ग्राउंड में, जहाँ पे कल होने जा रहा है जलसा पीटीआई का। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर को वापस लेकर आने सबने। और जी यहाँ पे अभी इनके जो है वो तैयारी बहुत जोरों शोर से चल रही। मेरे पीछे देखे आप, ये वो मेरे पीछे स्टेज है, वहाँ पे जाके मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे एंटर हुई हूँ। यहाँ पे और लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं उनसे, पूछते हैं यहाँ के इकदाम कैसे हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या हो चुकी हैं और कौन कौन कितना एक्साइटेड है इमरान खान को लेके, स्पेशली जलसे को लेके। जैसे पिशावर का जलसा बहुत 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 अच्छा हो गया, तो हमें अपना जलसा कराची का जो है ना उसको पिशावर से भी बड़ा करना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और आपको और चीज़ें भी दिखाते हैं। यहाँ हम जैसे ही एंटर हुए तो किसी ने लोटे पे आमिर लियाकत की तस्वीर चिपकाई हुई थी। देखें यार आप लोग, मतलब बहुत मजे का, बहुत मजे का जी। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शाह अली खान काकर। आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कि पेशावर से ज्यादा अच्छा जलसा सपोर्ट करता है इमरान खान को? इंशाल्लाह हर तरह पे उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इमरान खान हमारे लीडर है, अच्छा लीडर है, हम उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। मगर जो है चोर मोर जो है, हम चोर को नहीं मानते हैं। आपको क्या लगता है इमरान खान आ जाएगा? इंशाल्लाह हमारा उम्मीद तो आ जाएगी दोबारा, मगर 5 साल 1.5 साल उसका हुकूमत है, वापसी आ जाएंगे, मसला नहीं है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अली हमजा है। ठीक है, मैंने सुना है कि जो स्टेज है, जो मेरे पीछे इतना बड़ा सा स्टेज है, ये जो है आपने तैयार करवाया है? हमने तैयार नहीं, हमारी पूरी टीम है उसने तैयार किया। ठीक है, कितने दिन लगे थे इसको तैयार होने में? लगे हैं अब तक हम लोगों को इसके ऊपर तैयार करने में और सारी लाइटिंग वगैरह हर चीज का। और साइज क्या है इस स्टेज का? स्टेज का साइज हाइट इसकी 42 है और जिसके ऊपर SMT लगी हुई है और जिसपे विजिटिंग है वो 36 है और इसकी डेप्थ जो है वो 120 फीट है, मतलब बहुत बड़ा स्टेज। ठीक है, अच्छा कराची में इससे पहले इतना बड़ा स्टेज किसी ने भी नहीं लगाया। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं कल के इंतजाम कैसे हैं? कल के इंतजाम बहुत अच्छे, सिक्योरिटी के लिहाज से? सिक्योरिटी के लिहाज से अलग अलग पैनल है, 3 हमने फैमिली हॉल बनाए हुए बड़े बड़े और एक पूरा ओपन एरिया छोड़ा हुआ है जिसके ऊपर सारे जो सिंगल मेल्स आएंगे उनके लिए। ठीक है, और ये गाड़ियों की पार्किंग का बड़ा एक होगा सीन? गाड़ियों की पार्किंग ऐसे है कि 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हमने सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप तो वायरल कर दिए, पार्किंग के सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं वो भी बता दिए। 1 किलोमीटर के अंदर जितना भी रेडियस है उसके अंदर जितने ग्राउंड है सब पार्किंग पॉइंट है। दूसरी चीज, यहाँ पे हम शटल सर्विस जो है वो रन कर रहे हैं और क्या बोलते हैं, इस रोड को हम जो है वो सिर्फ क्लोज करेंगे, बाकी सारे रोड खुले। ठीक है, और जिसको यहाँ पे सबसे जल्दी आ रहे हैं उसको कितने बजे पहुँचना पड़ेगा सबसे आगे रहने के लिए? सारी यहीं करनी पड़ेगी। कितने बजे? जितने बजे आप असर की नमाज यहाँ पढ़ लें, यहाँ पर पढ़ लें या यहाँ पे इंतजाम दिए गए हैं वैसे नमाज के लिए, और तारीख के बाद भी यहाँ पर बाद जमात नमाज होगी इंशाल्लाह, उसके बाद जो है सब यही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी भी इनकी तैयारियाँ चल रही हैं कुछ, ये ऊपर पिस्टल ये देखिए, मैं सबका जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट तारिक हुसैन, और पैगाम जलसे के लिए है जो आज माहौल माशाल्लाह यहाँ बना हुआ है। खैर ये 4 दिन से यहाँ पे जलसा ही हो रहा है डेली, और कौम अपने खुददारी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए जाग गई है, और ये जलसा कराची का इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। कराची ने हमेशा साथ दिया है पीटीआई का, और 2011 का भी बहुत बड़ा जलसा हुआ था, इलेक्शन एंड जो 2018 का था वो भी इसी में था, वो भी बहुत बड़ा था, लेकिन अब जलसा पीटीआई का नहीं है, ये कौम का जलसा है, और कौम ये साबित कर रही है कि हमें कोई गुलामी कोई चीज ऐसी बर्दाश्त नहीं है। हम खान साहब के साथ इसलिए निकल रहे हैं कि उसके संग ही हम ये जंग लड़ सकते हैं, क्योंकि खुददार लीडर है वो, उसने हमें 25 साल जगाने में लगाया इस कौम को, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम अब जाग गई है और ये साबित कर रही है जो पिशावर के अंदर हुआ है, जो इतवार को हुआ है, तो इम्पोर्टेड हुकूमत का जो हैशटैग है वो नीचे नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह, वर्ल्ड रिकॉर्ड कैम हुआ उसके ऊपर भी,
तो ये सब इदारों को सबको पता चल गया है कि कौम जाग चुकी है, और कौम जब जाग जाती है तो फिर कोई चीज आगे नहीं होती है, ना कोई खौफ होता है ना कोई साजिश होती है। और ज्यादा से ज्यादा साजिशें क्या करेंगे, जो नून लीग वालों ने क्या साजिशें की थी पहले जाती करेक्टर की, तो वो सब पीटीआई के वर्कर को और कौम को पता है कि इनका यही काम है। बेनजीर के साथ भी यही किया था, इमरान खान के साथ भी यही किया था, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है अब इनको। तो इंशाल्लाह ये कौम ने साबित कर चुकी है, और मजीद इंशाल्लाह कल ये साबित करेगी कि ये कौम जिंदा कौम है, किसी की गुलामी ये बर्दाश्त नहीं है, और इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। थैंक यू सो मच। इम्पोर्टेड हुकूमत नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह चालीस हफ्तों के बाद इमरान खान एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हाथ उठाएंगे। कल के जलसे के बारे में क्या कहोगे? कैसा लग रहा है? जलसा होगा, अच्छा होगा? हाँ, ये क्यों नहीं कराए हुए हो? क्या लिखा है इसमें? अच्छा ये बताओ, शाबाश। बहुत प्यारों से पीटीआई के सपोर्टर मेरे सामने खड़ा हुआ है, मुझे ये बताओ कि क्यों आए हो यहाँ पे? इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आए हो? अच्छा मुझे ये बताओ कि इमरान खान आ जाएंगे? हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि कल का जलसा कैसा रहेगा? आओगे कल के जलसे में? आओगे कल के जलसे में? हाँ, इमरान खान के लिए नारा लगा दो, नारा लगा दो। इमरान खान, थैंक यू। जी सर, क्यों आए आप यहाँ पे? इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए? आपको लगता है इमरान खान वापस आ जाएंगे? हाँ। कल के जलसे के बारे में क्या कहेंगे आप? कल के जलसे इंशाल्लाह। जय हो मरियम के बाबा।
जस्ट चल रहे दो क्या कह रही हो तो फैमिली कल जो भी जलसे में आएंगी वो गेट नंबर 3 और 4 से आएंगी। जोर से बोलो ना। कल जो फैमिलीज और लेडीज आएंगी वो गेट नंबर 3 और 4 से आएंगी और जो यूथ है वो गेट नंबर 5 और 6 से एंटर होंगे। तो तुम फैमिली के साथ आओगी या अकेली आओगी? अजय जी ये ना बहुत गौर से सब चीजें सुन रही थी मैं ना इतना वो कर नहीं रही। अच्छा अभी हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ और बहुत मजा आया। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से वापस जाने का। मेरा दिल चाह रहा है मैं यहीं पे सो जाऊँ और फिर कल यही से इमरान खान को वेलकम करूँ। सबसे पहले मैं उनकी सपोर्टर खड़ी हूँ बट एनीवेज मेरे बच्चे और भी आए हुए थे वो बहुत थक चुके तो हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करना है आप लोगों ने लाइक, चैनल को करना है आप लोगों ने सब्सक्राइब, नीचे कमेंट्स करने और आप लोगों ने बताना है कि आप लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके जी खुदा हाफिज़।